नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं चेंज विद वन फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। और इसी चेंज विद वन फाउंडेशन के अंडर हमने चेंज विद वन मील का इनिशिएटिव लिया है, जहाँ हम 10 रुपये में भरपेट खाना लोगों को सर्व करते हैं और खाने के साथ हम लोग उनको इज्जत और प्यार भी सर्व करते हैं। 11 अक्टूबर को मेरे बचपन के दोस्त का फ़ोन आया, उसे 100 रुपये की ज़रूरत थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि किसी को 100 रुपये की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, या तो वो नशा करता हो या गलत आदतें हो या हकीकत में उसको कोई जेन्युइनली कोई मजबूरी हो, क्योंकि कई सालों से हमारी कोई बात नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि एक बार चेक किया जाए। तो मैंने अपने दूसरे दोस्त को भेजा, जिसने वहाँ जाके जब देखा तो वो खुद बड़ा दुखी हुआ उसकी स्थिति देख के। तो उसने बताया कि उसकी 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी थी जो कि लॉकडाउन में चली गई थी, और लॉकडाउन से पहले जब दंगे हुए थे तो जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो फैक्ट्री भी तहस नहस कर दी गई थी। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई होगी, जो परेशान होंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमने सोचा कि हम लोगों को भरपेट खाना दें 10 रुपये में, उन लोगों को हाथ भी नहीं फैलाने पड़े किसी के आगे, इसलिए हम लोगों ने इनिशिएटिव शुरू किया। यहाँ काम कर रहे जितने भी लोग हैं ये वो सभी लोग हैं जिनकी या तो कोरोना में जॉब चली गई है, या जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ करने वाले हर एक व्यक्ति की अपनी एक कहानी है। अगर मैं कुणाल की बात करूँ तो कुणाल जीवी रोड से है, जहाँ इनकी मदर सेक्स वर्कर है। कुणाल को जब मैं लॉकडाउन था तब हम लोग वहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे, तो कुणाल को मैं वहाँ मिला और मुझे उनके अंदर बहुत पोटेंशियल दिखा। मुझे लगा कि इनको ज़रूरत है एक सोशल एक्सेप्टेंस की। आकाश दिल्ली जल बोर्ड के अंदर टेम्परेरी जॉब कर रहे थे, जहाँ उनकी जॉब चली गई। उसके अलावा एचआर, ये विशाल है जो एचआर में जॉब कर रहे थे, बट उनकी भी जॉब चली गई और अब वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। दीपक की अगर बात करूँ तो वो 2 साल से अनएम्प्लॉयड थे, एक बेटी के बाप हैं और उनको सब ज़रूरत थी। हमारे जितने भी खाना बनाने वाले हैं ये सब किसी ना किसी ईटरी पे काम किया करते थे, अच्छे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जहाँ वो काम किया करते थे, और उनकी नौकरी चली गई थी लॉकडाउन के चलते। तो उन लोगों को मैं किसी के थ्रू मैं मिला, जब मैं सर्च कर रहा था कि मुझे कुक की ज़रूरत है, तो ये 4 अलग अलग लोग मिले। फिर ये इनके साथ साथ मैं और लोगों को मिला। इस तरीके से हम लोगों ने एक टीम इस्टेब्लिश की ताकि हम लोग एक दूसरे का सहारा भी बने और एक दूसरे की ताकत भी बने। ये लोगों के ही प्रयासों से, लोगों की मदद से ही हम लोगों को भरपेट खाना खिला पाते हैं। और मदद करने के लिए मेरा नंबर है 9810670347।